जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी मित्रों को आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे भारत में पीपल के वृक्ष का इतना महत्व क्यों है। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में पीपल के वृक्ष को कितना ज़्यादा महत्व दिया गया है। पीपल के वृक्ष की पूजा के लिए शास्त्र निर्देश करता है, और हम सभी लोग जानते हैं कि हमारी माताएं, बहनें और बड़े बुजुर्ग पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। परंतु ऐसा क्यों? संसार में और भी बहुत सारे वृक्ष हैं, पर पीपल के वृक्ष की पूजा क्यों करनी चाहिए? इसके पीछे क्या कारण है? मित्रों, इसके पीछे दो कारण हैं और दोनों कारण बहुत सिद्ध हैं। एक कारण हमारे शास्त्रों में बताया गया है, दूसरा साइंटिफिक कारण भी है कि पीपल के वृक्ष की पूजा क्यों करें। सबसे पहले आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को पीपल में वास करता हुआ बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है कि पीपल के वृक्ष में मेरा वास है। गीता से यह उदाहरण मिलता है। और दूसरा, स्कंद पुराण में उदाहरण मिलता है कि जब भगवान नारायण का प्रागट्य हुआ, बाल मुकुंद के रूप में भगवान नारायण का प्राकट्य हुआ, तब पीपल के वृक्ष के पत्ते के ऊपर वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, भगवान विष्णु पीपल के वृक्ष के पत्ते के ऊपर, आप सभी ने चित्र देखा होगा, एक चित्र बहुत प्रचलित है कि छोटे से कन्हैया पीपल के पत्ते के ऊपर बैठे हैं और अपने पांव का अंगूठा उसका शोषण कर रहे हैं। तो नारायण ने पीपल के वृक्ष को महत्व दिया है। और जो पीपल के वृक्ष की जड़ है वह ब्रह्मा जी का स्वरूप है। पीपल के वृक्ष का जो तना है, जो लकड़ी का भाग है, तना है, वह भगवान नारायण का स्वरूप है। और पीपल के वृक्ष का जो पत्ता होता है वह भगवान शंकर का स्वरूप है। तो त्रिदेव, तीनों के तीनों देवता पीपल में निवास करते हैं, इसलिए पीपल का पूजन करना चाहिए। पद्म पुराण में ऐसा कहा गया है कि पीपल के वृक्ष को जो प्रणाम करता है, जो पीपल के वृक्ष के पास जाकर प्रणाम करता है और परिक्रमा करता है, ऐसा व्यक्ति सदैव सुखी रहता है और उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अब इसके पीछे कारण देखिए, साइंस में भी ऐसा कहा गया है कि पीपल का जो वृक्ष होता है, पीपल का जो पेड़ होता है, वह इकलौता ऐसा, विश्व में एकमात्र ऐसा पेड़ है जो दिन में भी ऑक्सीजन देता है और रात को भी ऑक्सीजन देता है। कोई और गैस इनहेल नहीं, हमेशा एक्सहेल जो करता है, जो बाहर निकालता है, हमेशा ऑक्सीजन निकालता है। तो हमारे लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए ऑक्सीजन कितनी ज़रूरी है, तो पीपल का वृक्ष दिन रात हमें ऑक्सीजन देता है। तो साइंस के माध्यम से यदि हम जाने, पद्म पुराण में कहा कि प्रणाम करना चाहिए, परिक्रमा करनी चाहिए, और साइंस में यदि हम देखें तो जो व्यक्ति प्रणाम करेगा पीपल के वृक्ष के नीचे जाएगा, पास जाएगा, उसे अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी, अच्छी ऊर्जा मिलेगी। और दूसरा, जब परिक्रमा करेगा तो दो चार मिनट जब पीपल के वृक्ष के इर्द गिर्द घूमेगा, परिक्रमा देगा, तब जो पीपल का वृक्ष ऑक्सीजन देता है, शुद्ध हवा जो मिलती है वह हमारे फेफड़ों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो साइंस से भी कहा गया है कि पीपल के वृक्ष से हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, और पद्म पुराण में भी ऐसा कहा गया है। दूसरा, पीपल के वृक्ष की पूजा इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि इसमें भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का निवास है। लक्ष्मी जी नारायण के साथ पीपल के वृक्ष में दिन के समय निवास करती है, तो दिन में पीपल के वृक्ष की पूजा होनी चाहिए। जब सूर्य अस्त हो जाता है, जब सूरज अस्त हो जाता है, तब पीपल के वृक्ष में दरिद्रता आ जाती है, तो उस समय पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि दरिद्रता आ जाएगी, तो आप दरिद्रता की पूजा करेंगे। इसलिए पीपल के वृक्ष की पूजा दिन के समय करनी चाहिए। और रविवार को पीपल की पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि रविवार को लक्ष्मी नारायण पीपल पर निवास नहीं करते, रविवार को दरिद्रता पीपल के वृक्ष में निवास करती है। तो रविवार को पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं करनी चाहिए। और आयुर्वेद में भी और हमारे मेडिकल साइंस में भी पीपल के वृक्ष को बहुत महत्व दिया गया है। इससे, पीपल के वृक्ष से हमारे फेफड़े अच्छे होते हैं, हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अच्छा रहता है, और हमारे शरीर की जितने भी श्वास की नलियां हैं उनके लिए पीपल का वृक्ष बहुत अच्छा बताया गया है। इससे दवाइयां भी बनती हैं और आयुर्वेदिक इससे उपचार भी होते हैं। तो इसलिए हमारे समाज में लोग कहते हैं कि डॉक्टर जो होता है वह भगवान का स्वरूप होता है। क्यों?
क्योंकि डॉक्टर किसी व्यक्ति की जिंदगी बचाता है, उसे अच्छा स्वास्थ्य देता है, इसलिए डॉक्टर को भगवान का स्वरूप कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारी सनातन संस्कृति में जब डॉक्टर अच्छा किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य करता है, ठीक उसी प्रकार पीपल भी शुद्ध ऑक्सीजन देता है, ताजी ऑक्सीजन देता है दिन और रात, और पीपल के वृक्ष से बहुत सारे रोग दूर होते हैं, तो वह भी हमारे लिए पूज्य है। इसीलिए पीपल के वृक्ष की पूजा का विधान बताया गया है। यहाँ साइंस और रिलीजन, कल्चर सब कुछ इन्वॉल्व है। पीपल का वृक्ष सदैव पूजनीय है इसीलिए। और जिस व्यक्ति को साढ़े साती का भय हो, जिस व्यक्ति के ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही हो, उस व्यक्ति को भी पीपल के वृक्ष की पूजन करना चाहिए। तो आशा करते हैं कि आज की वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि पीपल के वृक्ष की पूजा क्यों करें, इसके पीछे कारण क्या है। तो यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और आप हमारे चैनल को पसंद करते हैं, वीडियोस अच्छी लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और आगे भी अपने मित्रों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राधे।